सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आज 23 दिसंबर 2018 को KVS PGT के एग्जाम का आयोजन करवाया गया है। उसके एग्जाम का एनालिसिस करते हैं और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS हैज कंडक्टेड KVS PGT 2018 के एग्जाम का आज आयोजन करवाया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इस एग्जाम का आयोजन है वो करवाया गया है। इस साल जो डिफिकल्टी लेवल रहा है, कठिनाई का स्तर, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहा है जो कि पिछले साल रहा है। देखिए, इस पोस्ट में, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे और आपके एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से आपको इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2018 में वो कितनी रह सकती है उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। देखिए, ऑफिशियल आंसर की मतलब रिलीज कर दी जाएगी जैसे ही 10 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे ही सारे क्वेश्चन है वो प्रोवाइड होते हैं तो 10 दिन में आपको आंसर की है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन वाइज एग्जाम एनालिसिस ऑफ KVS PGT एग्जाम 2018, यानी कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट से, कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में अपन बात करें तो पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश के सेक्शन में। आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे सेंटेंस इरर से, 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक से, 1 क्वेश्चन आपको ईडीएम फ्रेज से, 2 क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से पूछे गए थे, स्पॉटिंग एरर से पूछा गया था 1 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आपको एंटोनिम और सिनोनिम से पूछे गए थे। देखिए, बात करते हैं हिंदी के सेक्शन की तो 2 क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान भरने वालों में से दे रखे थे, कवि और उनके रचनाएं से संबंधित 2 क्वेश्चन दिए गए थे, 1 क्वेश्चन आपको शब्दार्थ से रिलेटेड दे रखा था, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, उसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो कि अलग ही हटकर था। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे तो देखिए टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 40, जिसमें 4 क्वेश्चन है वो आपको इसमें जियोग्राफी के पूछे गए थे, जो पुरस्कार और जो सम्मान है उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल और नेशनल जो संगठन है उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, स्कीम और अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है उनसे संबंधित 1 क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा खेल से संबंधित 1 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। अब बात करते हैं आपकी रीजनिंग एबिलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो टोटल क्वेश्चन रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए थे, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से एक टॉपिक है उसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जो नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, सिम्बल है उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ओड एंड आउट मालूम से यानी जो विषम छांटना है उसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और सिटिंग अरेंजमेंट में से भी 1 क्वेश्चन है यानी बैठने की जो व्यवस्था है उससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था। अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन से तो 10 क्वेश्चन टोटल कंप्यूटर के पूछे गए थे, जिसमें 1 क्वेश्चन हार्डवेयर का था, 1 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का था, डाटाबेस का थे 2 क्वेश्चन, नेटवर्किंग यानी लैन और वैन से रिलेटेड थे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इंटरनेट का था, और 3 क्वेश्चन आपको इसमें एमएस विंडोज से, एमएस ऑफिस से रिलेटेड पूछे गए थे। अब बात करते हैं पेडागोगी सेक्शन में तो टोटल 20 क्वेश्चन आपको पेडागोगी से पूछे गए थे, जिसमें एजुकेशन और करिकुलम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए बात करते हैं KVS PGT 2018 की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी अनुमानित यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको इसमें 150 नंबर में से पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 111 से अगर 120 नंबर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो क्या हुआ, आप इसमें सेफ़ हो। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 102 से 110 नंबर है वो इसकी कट ऑफ रह सकती है 2018 में KVS PGT की। एससी कैटेगरी की बात करें तो 90 से लेकर 100 नंबर के बीच में अगर आप बन रहे हैं तो आप क्या हो, इसमें सेफ हो। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की तो 85 से लेकर 95 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं KVS PGT 2018 के एग्ज़ाम में तो आप इसमें सेफ़ हो, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, 150 नंबर का ये पेपर था, ये जो कट ऑफ है वो कितने में से है, 150 नंबर में से अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं जिस भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं इसके आंसर की आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसके आंसर की जैसे ही अपलोड हो तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर की आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।